एक्सेल की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग एक्सेल में कुछ नई चीज ये सीखेंगे, नए टैब में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। हम लोग पेज लेआउट तक डेटा खत्म कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फार्मूला टैब, फार्मूला मेनू भी कह सकते हैं, फार्मूला टैब भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला, टैक्स फार्मूला, डेट एंड टाइम फार्मूला, लुकअप रेफरेंसेस, मैट्रिक के फार्मूले और कुछ मोर फंक्शन, मतलब एडवांस लेवल के फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर ऑलरेडी बच्चों वीडियो बना चुका हूं, इस पर आप लोग मेरा एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा। लॉजिकल पर भी फार्मूले बने हुए, टैक्स के फार्मूले भी मैंने बना दिए हैं और डेट एंड टाइम के कुछ फार्मूले मैंने बना दिए। जैसे जैसे हम लोग फार्मूले पे काम करते जा रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक पे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल पे चले जाइएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो आज हमारे बच्चों टॉपिक है कमांड्स के बारे में, ये सारी कमांड हम लोग फिनिश करेंगे आज। आज हम लोग डिफाइंड नेम का टॉपिक खत्म करेंगे, फार्मूला एडिटिंग खत्म करेंगे, कैलकुलेशन खत्म करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग फिनिश करेंगे, एक एक कमांड्स। अगर इनमें कोई डाउट होता है तो लास्ट में आप पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला कमांड है बच्चों नेम मैनेजर। अगर आपके पास कोई सीट है बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई डेटा है, डेटा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बिना डेटा के आप काम नहीं कर पाएंगे। चलिए एक डेटा हम बच्चों निकाल लेते हैं जिससे आपको आसानी हो वर्क करने में। तो मेरे पास कुछ डेटा है बच्चों, देख लीजिए, ये डेटा है मेरे स्क्रीन पर। मैं चाहता हूं कि मैं इस सेल का एक नाम दूं, इस सेल का खुद का एक नाम देकर, जैसे ये इसका नाम है अभी फिलहाल E2 E3 नाम है, E कॉलम पे है, 3 सेल पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया E3। तो मैं कहता हूं अभी मैं अगर इस E3 और E4 लिख दूं तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, E4 प्लस E5 अगर मैं कर दूं तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं मैं खुद का एक नाम दूं और नाम से मेरी वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। तुझे वही नेम मैनेजर होता, खुद का एक नाम क्रिएट करना। मैंने कह दिया कि जेन में जो कीबोर्ड है उसका मैंने नाम दे दिया, न्यू नेम मैनेजर में गया, मैंने इसका नाम कीबोर्ड ही दे दिया, मान लीजिए कीबोर्ड की सेल और LCD का ले लेते हैं, और LED है, सॉरी LED का सेल। ओके, इनका मैंने नाम दे दिया। अब मैं जहां भी लिखूंगा इक्वल कीबोर्ड टैब प्लस LED, क्या था नाम LED, अगर मैं कीबोर्ड और LED के वैल्यू को अगर ऐड करूं जेन के माह का और इंटर करूं तो यहां पे टोटल आ जाएगा। समझ में आया अच्छे से? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुझे था बच्चों नाम ऐड करने का, ये भी वही चीज है, बस यहां पे क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग कीबोर्ड लिखा हम लोगों ने तो यहां पे एडिटिंग करने की सुविधा मिल जाती है कि हम लोग अपने रेंज को बदलाव कर सकते हैं। और दूसरी बात, यही पास डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको नहीं चाहिए नाम पसंद तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं और नया डेटा बना भी सकते हैं। लेकिन डिफाइंड नेम के अंदर ऐसा नहीं है, डिफाइंड नेम में जाएंगे अगर आप तो बस यहां से आप लोग केवल नेम दे सकते हैं, ना कि बदल नहीं सकते। मैंने इसका नाम ए दे दिया। अब मैं अगर इस नाम को अगर देखना चाहूं तो देखने के लिए मुझे नेम मैनेजर में ही जाना पड़ेगा, ए नाम ये देखिए, जबकि मैं यहां से नाम को नहीं देख सकता किसी मायने में, केवल यहां नाम को ऐड किया जा सकता है, बस। क्लियर हुआ? ये बच्चों अप्लाई नेम होता है, जो नाम आपके सिस्टम में अप्लाई किए जाते हैं, जो नाम दिए गए हैं, जो उनकी एक लिस्ट होती है जो कि दिखाता है सिस्टम, अगर आप गलती से भूल जाते हैं तो आप यहां पे आके उसको देख सकते हैं, इसी के लिए ये बनाया गया। और यूज इन फार्मूला, जो नाम आप यूज कर रहे हैं अगर उनको पेस्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो आप नीचे कर्सर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं इसलिए लिस्ट यहाँ बन गई। अगर एक दो नाम होते तो नॉर्मली दिखाता, तो पेस्ट लिस्ट में जाके अगर आप पेस्ट लिस्ट कर देते हैं तो सारा डेटा आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे दिखेगा। ये इसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है कि आपने जो डेटा लिया है वो कहाँ कहाँ से ऐड किया है, जो उसकी जानकारी दे पाएगा। जैसे आपने ये कोर्स लिखा है, कोर्स बता रहा है कि आपने कहाँ से, जैसे डी कॉलम है, एट इसका सीरियल नंबर है, A1 ए कॉलम है, इसका सीरियल नंबर 1 है। जैसे मैंने LED का नाम देखिए दिखा है, तो LED जो है, LCD है, कीबोर्ड है, जो मैंने कहां से लिया, B2 से लिया है, इसको भी इसे B5 से लिया गया है। अगर देखना चाहो तो LED देखिए B5 पे ही होगा, ये देखिए B5 पे है और कीबोर्ड B2
V2 पे है, बता रहा है तुझे, मतलब एक लोकेशन के हिसाब से बताता है और कुछ इसका काम। और देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका सॉरी क्रिएट न्यू जो नेम फ्रॉम सिलेक्शन जो दिया गया है जी, ये बताता है कि आपने जो डेटा लिया है वो कहां से है, टॉप से है, आपका जो डेटा है वो टॉप से है कि आपका लेफ्ट से कॉलम से, कि बॉटम रो से, कि कॉलम से, जहां से है उसको बारे में बताइए। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको पहले जो आपने पेस्ट किया है नाम उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, तब ये बता पाएगा कि आपका नाम कहां कहां से, टॉप से और लेफ्ट से। हम लोग ना कि बॉटम में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऊपर काम कर रहे हैं, पेज से ऊपरी भाग में। अगर देखा जाए तो हम लोग ऊपरी भाग में काम कर रहे हैं ना कि नीचे। अगर हम लोग कंट्रोल डाउन करके अगर देखें तो इतना, अगर हम लोग नीचे जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतना नीचे काम करेंगे तब जाके बॉटम बताएगा, अदरवाइज हम लोग अगर इतना ऊपर काम करेंगे, इतना राइट में काम करेंगे तब जाके राइट बताएगा। क्लियर हुआ? यहां से आगे आइए बच्चों, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, नॉर्मली है, डिलीट कर दीजिए और इसको अपने हिसाब से फिट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था बच्चों डिफाइंड नेम के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ट्रेस परडेंस क्या होता है, इसका अलग थोड़ा सा यूज है, इन्होंने अलग अलग से, मैंने कहीं से अगर इसको मिला के ऐड किया तो जिसको बताएगा कि आपने कहां कहां से इन वैल्यू को ऐड किया। देख रहे हैं आप लोग कि जेन का मैंने लिया है और जेन का मैंने एलईडी का लिया है, बता रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। रिमूव करना है बच्चों तो यहां से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ये संख्या किस पर डिपेंडेड है जी, उसको बताएगा, डिपेंडेड ऑप्शन ट्रेस करेगा, ट्रेस करना समझते हो ना, पकड़ना जिसे कहते हैं। हमने पकड़ लिया ये वैल्यू यहाँ पे भी ऐड की गई है, ये वैल्यू यहाँ पे भी ऐड की गई है, अगर कहीं और मैंने जोड़ दिया गलती से, देखिए मैंने इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, एंटर, और मैंने इसको क्लिक किया और ये किस पर डिपेंड है, ये संख्या यहाँ पे भी डिपेंड है, यहाँ पे भी डिपेंड है और यहाँ पे भी डिपेंड है, किसी कोई डाउट? चलिए तो अगर हम लोग अलग अलग यहाँ पे ऐड कर दिए, इसको हमने इस पर डिपेंड कर दिया, और एक बार में अगर एक एक करके हटाना हो तो रिमूव एक बार में हटा देता है, अगर एक करके अगर आपको रिमूव परडेंट हटाना है तो उस पर क्लिक करिएगा, अगर ये वाला डेटा अगर आपको हटाना होगा तो ये डिपेंडेंट वाला आप खत्म करेंगे, कोई डाउट? एक एक कमांड्स आपको आनी चाहिए, ये मेन मायने रखता है। सो फार्मूला बच्चों, आपको फार्मूला दिखाएगा आपने इस सीट पर कौन सा फार्मूला चलाया है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला चलाया है, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और वैल्यू और फार्मूला, वैल्यू और फार्मूला दो ही बातें ये बताता है, यहाँ लिखा भी है सो फार्मूला, देखिए एक तरफ वैल्यू बनी एक तरफ फंक्शन बना, फंक्शन का मतलब फार्मूला, वैल्यू आप समझ रहे हो, ठीक है। एरर चेकिंग, एरर चेकिंग हम लोग गलती को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे सम, अगर हम लोग कोई गलती किए, कोई गलत फार्मूला यहाँ चला दिए और एंटर कर दिए, देखिए गलत का प्रतीक होता है ये रेड कलर जो इंडिकेट कर रहा है आपका, ये गलत का इंडिकेटर होता है। इसको हटाने के लिए बच्चों करना क्या होता है, एरर चेकिंग में जाइए और इसे इग्नोर कर दीजिए, और जैसे आप इग्नोर कर देंगे वो एरर हट जाएगा। अगर आपके कहीं भी शीट पे ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके हटा पाएंगे। क्लियर हुआ? और इवैल्यूएट फार्मूला जो होता है, इवैल्यूएट फार्मूला जो होता है इसका काम क्या होता है, ये फार्मूले को ऐड करने का काम करता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ फार्मूले पे दिखाना चाहता हूँ, इसमें मेरे फार्मूला क्या लगा, ये फार्मूला लगा है बच्चों, आगे क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसमें क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और फिर इसके बाद टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा, बार बार दिखाएगा आपको, रिपीट करते रहो, देखो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वॉच विंडो, वॉच का काम अच्छा क्या होता है बताइए, वॉच क्या करती है, उसमें क्या क्या दिखता है आपको, वॉच में क्या क्या दिखता है बताइए, आशीष बताइए भैया, समय में क्या क्या देख पाते हैं, हम बता रहे हैं आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम लोग घंटे भी देखते हैं, मिनट भी देखते हैं, सेकंड भी देखते हैं और नैनो सेकंड की भी जानकारी वहां रखते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत भी आती है। जैसे हम बुक का नाम भी देख सकते हैं, सीट का नाम भी देख सकते हैं, नाम भी पर देख सकते हैं, सेल का नंबर बता सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं, फार्मूला बता सकते हैं, ओके। तो मतलब एक वॉच के तरीके, इसके वॉच विंडो इसलिए नाम रखा गया है,
ये सब कुछ आपको दिखेगा, पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कैसे पता लगा है, और हमने यहाँ पे क्लिक किया और ऐड कर दिया। देखिए पूरी जानकारी हमको दे पा रहा है कि हम लोग वी लुकअप के नाम से सीट का नाम है, और सीट बैक इसका नाम क्या है, बैकअप डेटा के नाम से बना हुआ है, सेल जे है, वैल्यू जे है, फार्मूला जे है। कोई डाउट? अगर हम जिस वैल्यू का रखना चाहते हैं उसका भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं एनी टाइम। ये देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अगर आपकी मर्जी यहाँ रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ रखना है तो यहाँ रख सकते हैं, अगर आपको नीचे रखने की इच्छा करती है तो नीचे भी सेट कर सकते हो, छोड़ दीजिए काम चलता रहेगा। अगर आपको राइट रखना है बच्चों तो राइट भी रख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए राइट ये आ गया, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं और काम भी अपना पूरा कर सकते हैं। डिलीट करना हुआ बच्चों तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर पाएंगे। कोई डाउट? इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब बच्चों हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कैलकुलेशन ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लेते हैं एक बार, ध्यान से पढ़िएगा तभी पढ़ने में समझ में आता है। देखिए अभी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब मैंने अल्ट के साथ इक्वल दबाया और एंटर कर दिया, जुड़ गया। अगर कोई चीज चेंज किया वो बदल गया, ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, मैं कुछ कर नहीं रहा, ऑटोमेटिक हो रहा। लेकिन अगर मैं बच्चों यहाँ पे मैनुअली सेट कर दूं, अब मैं कोई वैल्यू अगर चेंज करता हूं तो भला बदलाव कुछ हो रहा है? नहीं हुआ ना। देखिए कोई परिवर्तन हुआ, नीचे कोई वैल्यू बदल रही है, नहीं बदल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अगर यहाँ पे ये एलईडी कहते हैं, अगर 196 पीस है, अगर मैं इसको 200 कर दूं तो देखिए नहीं बदली। और जैसे मैं यहाँ पे अगर ऑटोमेटिक पे लगा दूं तो देखिए बदल रही है, बदल रही है ना बच्चों, ये देखिए सॉरी इसको बदलोगे तब बदलेगी ना, बदला। अब मैनुअली पे अगर बच्चों लगा देते हैं टिक तो नहीं बदलेगा, 100% नहीं बदलेगा। जब बदले अब आपको खुद का कैलकुलेशन कराना है तो कैलकुलेशन नाउ पे बच्चों क्लिक करिए। देखिएगा जी ये सेल पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सेल पे ये क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए परिवर्तन होगा। जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बदली जाएगी तभी बदलेगा बच्चों, 900 मैंने कर दिया, अभी देखिए बदल तो नहीं गया ऑटोमेटिक, जब आप कैलकुलेट करोगे तो बदल जाएगा। समझ में आया अच्छे से? और बच्चों कभी कभी ये रियर केस में होता कि पूरी सीट में जब प्रॉब्लम ऐसी होती जहां जाकर, जैसे मान लो मैंने यहां भी बदल दिया, अभी नहीं बदला, यहां पे भी मैंने कुछ वैल्यू बदल दी नहीं बदला, तो ये कैलकुलेशन सीट एक बार में, यहां पे भी देखिए दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी फर्क पड़ेगा बच्चों और यहां पे भी पड़ेगा फर्क, दोनों में ध्यान दीजिए कि एक बार में दिखेगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। इतनी बड़ी वैल्यू हो गई दिखाई नहीं, समझ में आया? कैलकुलेशन हुआ पूरी सीट का कैलकुलेशन एक बार में करने के लिए कैलकुलेशन सीट का यूज करते हैं। इसकी शॉर्ट की बच्चों शिफ्ट F9 होती है, कैलकुलेशन नाउन की सीट F9 होती है। इसको आप एक सीट एक वैल्यू के लिए करते हैं, इसको बहुत पूरी सीट के लिए करते हैं। ओके तो आपको फार्मूला एडिटिंग और डिफाइन नेम कैलकुलेशन में कोई डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हैं। नहीं बच्चों क्लास का समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।